नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा अच्छे ही होंगे। हमारा प्लान है भैया ओली का, और हमारे साथ हैं कुछ अच्छे अच्छे लोग। हाय हाय, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ओली, आप कहाँ जा रहे हैं? जोशीमठ। तो पूरा दिखाएंगे आपको ओली का, पूरा एकदम माहौल तगड़ा है, बर्फबारी एकदम चौचक, देखते रहिए। तो फिलहाल दोस्तों गाड़ी में बैठ चुके हैं। राम राम। मजा आ रहा है भाई। अभी हाईवे सामने है और इधर हमारी फोर व्हीलर है, और इसमें करीब 5 लोग बैठे हैं ओली के लिए, और ठंड में मजा ठंड से ही ले रहा हूं मैं। भैया कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पीने के बाद निकल चुके हैं, और फोटो शूट हो गया बहुत बेहतरीन, एकदम सबका चौचक चौचक फोटो ले लिए हैं, और सब गाड़ी में बैठ के मजा ले रहे हैं, लहरिया लुट रहे हैं। इधर ड्राइवर साहब भी हैं, मतलब भैया जी हैं, ड्राइवर साहब नहीं, मतलब हमारे बड़े भाई हैं, और हाईवे पे चढ़ चुके हैं। फिलहाल दोस्तों हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद। तो फिलहाल दोस्तों टोल टैक्स में जाम में फंसे हुए हैं, देखते हैं। फिलहाल दोस्तों हम चढ़ चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस। तो फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और इधर मेरठ। आप भी तो कह रहे थे हरिद्वार। नहीं, ये मेरठ है भैया, हरिद्वार आया। अच्छा, हरिद्वार आगे है। 3-2.5 घंटे लगेंगे हरिद्वार को। अच्छा, अभी 2.5 घंटे लगेंगे, हमारा गलत अपडेट था। अभी 2.5 घंटे हरिद्वार पहुंचने में लगेगा, अभी पहुंचे हैं मेरठ। कुछ खाने के लिए रुके हैं, कुछ खा पी लेते हैं और चाय पी लेते हैं, और दो लोग अस्कती लोग गाड़ी में बैठे हैं इधर और एक उधर, और बाकी हम लोग मजा ले रहे हैं बाहर का लहरिया, पूरा मजा आ रहा है, लूट रहे हैं। बाकी ठंड तो बढ़ती जा रही है, अभी तो बर्फ के दुनिया में जाने वाले हैं, और बहुत लोग लग रहा है कि पूरा इधर भीड़ भीड़ है। देखते रहिए, मजा लेते रहिए, और लहरिया पूरा लूटते रहिए। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं, देवभूमि, और एक हमारे भैया हैं वो कह रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार, हर की पौड़ी ऋषिकेश, सब होते हुए घूमते हुए पूरा एंजॉय करते हुए पहुंचेंगे भैया ओली। अभी हरिद्वार पहुंचने में बस लगभग 50 से 40-50 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है, और आपको दिखाते चलेंगे और पूरा एंजॉय कराते चलेंगे, साथ में खाना पीना अभी यही साथ में है भैया, देखो दारू वारू छोड़ के नहीं, और बाकी सब रहा आपको दिखाते रहेंगे और एंजॉय कराते रहेंगे, चलिए बने रहिए। फिलहाल दोस्तों ये लास्ट लग रहा है कि टोल टैक्स होगा, और पहुंच चुके हैं हरिद्वार से आगे, कुछ देर में पहुंच जाएंगे लगभग हरिद्वार, बस 25 किलोमीटर और दूर है। तो भैया पहुंच गए हरिद्वार, अभी दिखाते हैं गंगा जी का दर्शन, गाड़ी से निकलते निकलते थोड़ा दर्शन कर लिया जाए, तो अभी निकलते हैं गाड़ी से और आपको दिखाते हैं हरिद्वार। ये भैया हरिद्वार, रात्रि के कितने बज रहे हैं? रात्रि के बहुत बज गए हैं, रात्रि के बज रहे हैं 9:30। हमें कितने घंटे लगे सर पहुंचने में? हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमने जल्दी पहुंचा दी गाड़ी, तो बहुत जल्दी हम पहुंच गए हैं, और 3 घंटे मात्र, 3.5 घंटे। तो हरिद्वार इधर है भैया, ये हर की पौड़ी है ना, गंगा मैया का रात्रि के समय में आप दर्शन कीजिए, और पूरा देखिए ये हमारी गाड़ी है, ब्रदर अंदर है, आओ ब्रदर गंगा मैया के दर्शन कर लो और एंजॉय करते हैं, और आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही आगे। राम राम भैया जी। ठंड लग रही है? नहीं नहीं लग रही है भैया, हरिद्वार में थोड़ा ज्यादा ठंड है। इधर हर की पौड़ी आपको सामने दिख रहा हो, जूम करके आपको दिखा देते हैं, वो जो होता है उसको क्या कहते हैं, वो जो है सामने जो पिलर जिस टाइप में होता है, तो इधर पिलर टाइप में भैया, इधर से गंगा बह रही है, और इधर बह के हमारे उत्तर प्रदेश बलिया गाजीपुर तुम्हारे दरबार में आ गए हम, हर हर शंभू। लो भैया दर्शन कर लियो। तो फिलहाल दोस्तों पहुंच चुके हैं हम ऋषिकेश, और ऋषिकेश में थोड़ा तो ठंड है, और इधर आप देख सकते हैं सब ऋषिकेश का शॉप है, और इधर अभी खाना खाने का विचार में है, देखते हैं खाना कितने का मिलता है, और आगे चलते हैं। अभी फिलहाल रात्रि के 11:30 बज रहे हैं, और ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, अब स्टे का भी हम लोगों ने रूम का ले रखा है लगभग 1600 रुपये का, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, और आपको दिखाते रहेंगे पूरा आगे, देखिए पूरा ऋषिकेश। अभी हम खाएंगे राजस्थानी मिष्ठान भंडार पे, खाने के बाद आगे जाएंगे। दोस्तों इधर खाना वाना व्यवस्था हो गया, खाना वाना खा लिए हम लोग, और इधर हो रहा है भैया खाना पीना। हाय भैया, एक से एक खाना, पनीर लिए थे, खा पी लिए, हम भी खा लिए।
तो फिलहाल दोस्तों खाना पीना हो गया है, आए तो राजस्थान जबर मजा आ गया खाना खा के। हाँ बताए खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था, छोटी सी जगह, बिल्कुल छोटी सी, 40 से 50 आदमी काम करते भाई बिना कोई डिलीवरी के, क्या जगह है। खाना एक नंबर का था, खाया पिया एकदम मजा आ गया। और अब चल रहे हैं हम लोग रूम पे, वहीं सोएंगे और रात कटेंगे, फिर आगे जहाँ होगा पूरा आपको दिखाते रहेंगे और एंजॉय कराते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, जय हिंद जय भारत। दोस्तों होटल मिल चुका है, अभी हम इस होटल में, होटल गौरव में रुके हुए हैं इधर है, और अब चलते हैं अंदर। बहुत रात हो गई है, करीब 12:30 बज चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम होटल से उठ चुके हैं, एक हमारे भाई साहब हैं, आइएगा। राम राम जी, राम क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमृत है और आज का टेम्परेचर अराउंड 6 डिग्री इसी के, इसमें मज़ा बहुत आया रात में रुके थे। और अभी मिलते हैं हम आगे देवप्रयाग के लिए जा रहे हैं, बने रहिए भैया के ब्लॉग के साथ। अच्छा, और वहाँ बर्फबारी होगा? बिल्कुल, कपड़ा वपड़ा रखे हैं? काफी कपड़े हैं, बर्फ अच्छी पड़ रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, सब हैवी रेनी डे। ऐसे मत डराइए, लोग डरेंगे तो नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों अभी हम निकलने, देखिए गाड़ी आ चुकी है और निकलने वाले आगे, आगे दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे।